हाय गाइज, अपनी हर बड़ी एक्सक्लूसिव खबरों के लिए ए टू जेड न्यूज लाइव चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, साथ में बेल आइकन भी दबाएं। हम डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद बिहार में खड़े हैं, जहाँ से ये पीछे आप देख सकते हैं कि वो जो पीछे हाईवे है वो सीधा का सीधा बांग्लादेश जाने वाला हाईवे है। दिस इज द रोड, जिस ये वही रोड है जिससे गाय की स्मगलिंग निरंतर होती है, और जो प्रूफ है वो आपके सामने है। यहाँ पे 1000 गाय खड़ी हैं, जिनका आज के दिन इनको जब्त किया गया। सुबह से इनकी FIR कराने की पूरी कोशिश की जा रही है, अभी तक FIR नहीं हुई है। ये एक रेगुलर रूट है, ये एक एवरी सिंगल दो दिन के बाद, तीन दिन के बाद यहाँ पे इसी तरह के हालात पाए जाते हैं, जहाँ पे हजारों गौवंश लाया जाता है, रात को इलीगली इन ट्रक्स में लोड किया जाता है, और इन ट्रक्स के द्वारा सीधा बांग्लादेश रातों रात कुछ ही घंटों में पहुँचा दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, फॉर द सिंपल रीजन दैट इसी स्मगलिंग की आड़ में नोट्स भी स्मगल होते हैं, आर्म्स एंड एम्यूनिशन स्मगल होते हैं, टेररिस्ट भी स्मगल होते हैं। ये वही रूट्स हैं जिसके अंदर से ये सारा का सारा देश की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। NIA की रिपोर्ट है विच सेज दैट काउ स्मगलिंग इज कनेक्टेड टू द टेररिस्ट ग्रुप्स ऑफ कश्मीर। दैट इज हाउ सीरियस दिस इज। ये इतना सीरियस मामला है जिसको बिल्कुल भी गौवंश का मामला लेके और एनिमल का मामला लेके छोटा करके इग्नोर नहीं करना चाहिए। हेलो दोस्तों, गांव से शहर तक की हर बड़ी व एक्सक्लूसिव खबरों के लिए आप अपने पसंदीदा चैनल A to Z News Live.com को लाइक शेयर एंड फॉलो करें।